हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 75 डेज वेट लॉस चैलेंज का डे नंबर 65। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग के साथ, जो कि स्ट्रेचिंग और वार्म अप हम दोनों करेंगे 3-4 मिनट्स के लिए। देन उसके बाद फॉलो करेंगे आज का वर्कआउट। और जो आज का वर्कआउट रहेगा गाइज, वो हम करेंगे वो बेली फैट के साथ साथ हमारा आर्म्स का एंड आर्म पिट्स का होगा। तो हम इन चीज़ों को जो है कवर करेंगे एंड मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो हमारा आर्म्स का फैट रहेगा। तो इस तरीके से जो है आज हमारा वर्कआउट रहेगा। जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने करी हैं सभी मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिए है, कितनी एक्सरसाइजेस के कितने सेट्स एंड रिपीटेशंस करे हैं सब कुछ मैंने जो है स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, सो दैट आप लोगों के लिए ईजी रहे। एंड गाइज, वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं हर बार आपको बताती हूँ। एंड गाइज, काफ़ी लोगों के ना मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि ये चैलेंज करने के बाद आप नेक्स्ट चैलेंज कब स्टार्ट करोगे। तो गाइज, बहुत जल्दी जब ये चैलेंज फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना न्यू चैलेंज, जो कि देखते हैं कितने डेज का रहेगा। बाकी अभी फिलहाल ये हमारा चल रहा है एंड बहुत जल्दी ये वाला चैलेंज हमारा फिनिश हो जाएगा। और वेट अपडेट गाइज मैं आपको कल फॉर श्योर दूंगी, बिकॉज गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो देखिए मैं अपना बैलेंस डाइट तो नहीं ले पाई थी, लेकिन ये एंड ना ही वर्कआउट कर पाई थी, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि मैंने अपना डाइट अनहेल्दी नहीं रखा था। मैं बिल्कुल ही सिंपल खाने पर थी, मैंने नॉर्मली दलिया खिचड़ी और फ्रूट्स, ज़्यादा पानी का इंटेक रखा था, ये सभी खाया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था मैंने, बाहर का मैंने कुछ भी नहीं खाया था। बिकॉज वो तो मुझे मना ही कर दिया था डॉक्टर्स ने कि बाहर का नहीं खाना है, घर का सिंपल फूड खाना है। एंड चपाती वगैरह मैंने फिर थोड़ी काफ़ी दिनों बाद जाके स्टार्ट कर दी, थोड़े टाइम बाद, कि सिर्फ मैं हाफ चपाती खाती थी, बिकॉज मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने बिल्कुल सिंपल प्लेन फूड लेना है, स्पाइसी नहीं लेना, ऑयली ज़्यादा नहीं लेना है। तो बिकॉज गाइज वो हीट स्ट्रोक की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा ही लंबा जो है खिंच गई थी बीमारी मेरी। बट आई नो गाइज, मुझे उस टाइम भी बहुत वीकनेस हो गई थी बिकॉज मुझे बीपी का भी थोड़ा इशू हो गया था। बट नो वरीज गाइज, ये तो चलते रहते हैं लाइफ में, अप डाउन्स ना कहते हैं ना, प्रोज एंड कॉन्स, हमें दोनों को ही फेस करना पड़ता है लाइफ में। एंड कोई बात नहीं, अब फिलहाल मैं ठीक हूँ, तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द ये चैलेंज कम्प्लीट करूँ आप लोगों के साथ। और क्योंकि गाइज देखिए, आप लोग भी वेट करते हैं, आप लोग भी एक मेरी फैमिली बन चुके हैं, आप लोग वेट करते हो कि मेरा कब जो है ब्लॉग आएगा, बिकॉज आप लोग भी जो है फॉलो कर रहे हो मेरे वर्कआउट एंड मेरी डाइट। एंड गाइज देखिए क्या होता है ना, कि आप चाहे तो बाहर जिम में भी जाकर वर्कआउट अपना कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू टाइम इशू। बिकॉज मेरे पास भी दो बच्चे हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी बाहर जाने का, जिम तो मैं सोच ही नहीं सकती हूँ। तो वैसे भी मेरी जब से मेरे बेबीज हुए हैं मैं तब से घर पर ही वर्कआउट कर रही हूँ, मैं बाहर जिम जाकर मैंने कभी किया ही नहीं है। एंड गाइज इट्स अ मिथ कि आप सिर्फ वर्कआउट एंड वेट लॉस बाहर जाकर जिम में ही कर सकते हो, आप घर पे भी अगर आपके अंदर डेडिकेशन के साथ और मोटिवेशन आपको कोई मतलब है ना आपके अंदर, तो बस डेडिकेट रहिए और कंसिस्टेंसी रखिए, तो आपका जो डिज़ायर वेट है वो ज़रूर आपको मिलेगा, ज़रूर अचीव होगा। बिकॉज गाइज देखिए, मेरी भी इस बस सीजेरियन था, सी सेक्शन डिलीवरी था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है उम्मीद छोड़ दी थी कि इस बार मेरा वेट कम होगा, लेकिन हाँ उम्मीद छोड़ने के बाद वापस से मैंने अपने अंदर एक उम्मीद जगाई और मुझे लगा कि नहीं यार, बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से ही कुछ होगा। तो मैंने सोचा कि चलो फिर अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं और शायद हो सकता है कि वेट कम हो जाए। तो डिज़ायर वेट पर मैं आ चुकी हूँ गाइज, अपने डिज़ायर वेट मेरा हो चुका है, अभी फ़िलहाल मुझे जो है ना वेट मेंटेन करके रखना है। मैं बस अपना वेट जो है मैंने इतनी मेहनत से जो है कम करा है, लूज़ करा है, बस अब मुझे उसे मेंटेन रखना है, ना ही मुझे ज़्यादा कम करना है, थोड़ा बहुत इंचेस कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन हाँ गेन नहीं होने देना है। तो इसलिए अब जो हम वर्कआउट करेंगे वो वेट लॉस के साथ साथ हमारा वेट मेंटेन के लिए भी होगा। तो जिसको वेट लॉस करना है वो भी फॉलो कर सकता है, जिसे वेट मेंटेन करना है वो भी फॉलो कर सकता है। एंड गाइस क्या होता है ना, कि डाइट तो देखिए मैं ईजी बिल्कुल ऐसी रखती हूँ कि जो हर कोई फॉलो कर सके, क्योंकि देखिए हर कोई जो है फैंसी डाइट्स नहीं अफोर्ड कर सकता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल सिंपल डाइट, जो हमारा घर का बेसिक देसी खाना होता है ना, जिसे हम देसी खाना कहते हैं, मैं वो खाऊं और आप लोगों के साथ भी वही शेयर करूं। क्योंकि गाइस हमें उसमें भी प्रोटीन भी मिल जाता है, फाइबर भी मिल जाता है, प्रोबायोटिक्स, कार्ब्स, सब कुछ हमें घर के खाने में भी मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर से चीज़ें ले लेकर आएँ और उसी में जो है हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखिए गाइस। और दूसरी चीज़ ये कि गाइस देखिए, मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज इसलिए शेयर नहीं करती हूँ
बिकॉज जो मैं खाना बना रही हूँ गाइस वो कम मसालों में कम ऑयल में बनाती हूँ, सिंपल घर का देसी खाना होता है जो कि सबको आता ही है, तो इसलिए मैं शेयर नहीं करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि किसी चीज़ की मुझे रेसिपी शेयर करनी चाहिए तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो काफ़ी मुझे स्मूदीज़ के लिए भी क्वेश्चंस मतलब आ रहे थे कि प्लीज़ आप स्मूदी की रेसिपी शेयर करो, तो गाइस कल के ब्लॉग में डेफिनेटली आप लोगों को मेरी स्मूदी की रेसिपी ज़रूर मिलेगी। एंड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही डिलीशियस लगती है एंड बहुत ही एनर्जेटिक है, और प्लस प्लस आपके जो है वेट मेंटेन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो गाइस इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल खाना आप लोगों से शेयर करती हूँ जो कि हर कोई बना भी पाए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना गाइस, अगर मैं अपना एक एग्जांपल दूँ, मेरे पास जैसे कि दो बच्चे हैं, मुझे उनकी भी डाइट देखनी होती है, क्योंकि बच्चे ना हर एक चीज़ नहीं खाते हैं, तो बहुत ही वो उनको ना कुछ कुछ चीज़ें ही पसंद होती है, ज़्यादा चीज़ें वो नहीं खाते हैं। एंड लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली गाइज देखिए मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं सबका खाना अलग अलग करके बनाऊं, बिकॉज मैं ये भी करती थी पहले, लेकिन मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी। तो मैंने सोचा है अपने आप को इतना एग्जॉस्ट करके तो वेट लॉस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें क्या होगा मुझे वीकनेस ही होगी, बिकॉज मेहनत मेरी ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सिंपल अपनी डाइट रखूँगी जिसमें मैं सब कुछ हो, कार्ब्स भी हो, फाइबर भी हो, प्रोटीन भी हो, और उसी के साथ जो है मैंने अपना वेट लॉस करा। तो इसलिए मैंने जो है ये सिंपल रेसिपी खाना स्टार्ट करा और आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट करा। तो बिल्कुल सिंपल बेसिक खाना होता है गाइस जो कि हर किसी के किचन में इजीली अवेलेबल होता है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं आज का वर्कआउट, उसके बाद शेयर करूंगी कि पूरा दिन मैंने क्या क्या खाया, बहुत ही सिंपल खाना होता है गाइस। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं गाइज। वन मोर थिंग, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं वर्कआउट।
फिर शेयर करती हूँ आप लोगों से आज के अपने फुल डे की डाइट। तो मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे लिक्विड वाटर लिया था, तो आप सोचो गाइस कि मैं पहले चिया सीड वाटर ले रही थी, तो अब मैंने सिंपल लिक्विड वाटर स्टार्ट कर दिया। बिकॉज गाइस देखिए अपनी डाइट में कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया था चिया सीड वाटर लेते हुए, तो इसलिए मैंने अब लिक्विड स्टार्ट कर दिया। देन मैं वर्कआउट से पहले यहाँ पे 4 एलमंड्स खा रही हूँ। आप चाहे तो इनको पील आउट करके भी खा सकते हैं, पर मैं पील के साथ ही खा रही थी, ये सोक्ड एलमंड्स हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंगो स्मूदी बनाई थी, जिसमें मैंने हाफ स्लाइस ऑफ मैंगो डाला था एंड 7 to 8 एलमंड्स से, बिकॉज मैंने मॉर्निंग में भी खा लिए थे, तो इसलिए मैंने एलमंड्स सिर्फ 7 to 8 डाले हैं। साथ में मैंने 1 डेट डाला, तो उसको अच्छे से फैट फ्री टोन मिल्क के साथ जो है मैंने ग्राइंड कर लिया, और एक मस्त सी स्मूदी हमारी बनकर तैयार होगी। ऊपर से मैंने सीड्स डाल दिए थे गार्निशिंग के लिए। देन मिड मॉर्निंग ब्रेक में मैंने यहाँ पे मस्क मेलन लिया था। गाइस मस्क मेलन काफ़ी अच्छा होता है, इसमें फाइबर होता है, बॉटे क्वांटिटी ज़्यादा होती है, एंड ये हमारे वेट लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। एंड इनफैक्ट ये सीजनल फ्रूट है, तो सीजनल फ्रूट हमें ज़रूर खाने चाहिए, काफ़ी अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। देन लंच में मैंने यहाँ पे 1 चपाती ली थी मीडियम साइज़ की, भिंडी की सब्जी ली थी, क्यूकम्बर लिया था और साथ में कर्ड लिया था। तो भिंडी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है गाइस, आपको ऑफन मिलेगी मेरी डाइट में जो है मिलेगी भिंडी की सब्जी एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, बिकॉज आई लव देम। क्या दिन इवनिंग में मैंने गई यहाँ पे विदाउट शुगर चाय ली थी, हाफ कप जो है मेरी चाय रहती है, और साथ में मैंने रोस्टेड चने खाओगे ठीक है साथ, जो ये भुने चने होते हैं गई, इसमें काफी अच्छा प्रोटीन होता है, काफी फुलफिलिंग होता है, काफी देर तक आपको जो है मतलब भूख नहीं लगने देते हैं, तो काफी अच्छे होते हैं। देन मैंने डिनर में यहाँ पे सोया चंक्स की सब्जी बनाई थी, मतलब चिली सोयाबीन जिसे कहते हैं, एंड साथ में मैंने मूंग दाल का चीला बनाया था, जिसके अंदर मैंने प्याज और पनीर की फिलिंग करी थी। तो गाइस मैं क्या करती हूँ ना कि इस तरीके का जो बैटर होता है ना मूंग दाल वगैरह का, लेंटिल्स का, ये थोड़ा मैं बना के ज़्यादा एक्स्ट्रा रखती हूँ, सो दैट मेरा 2-3 डेज चल जाए, बिकॉज बार बार बनाना तो देखिए गाइस काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं 2-3 डेज का पहले से जो है स्टोर करके रख लेती हूँ, सो दैट बस आप निकालो फ्रिज से और बना लो, काफ़ी यमी लगता है। एंड यहाँ मैंने ये ऐसे 2 चीले खाए थे गाइस, ये काफ़ी यमी लगे थे, और आप क्वांटिटी देख सकते हो। पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है गाइस वर्कआउट में, एंड अगर आपका मन करे तो आप 1-2-3 जितने मर्जी, मतलब ज़्यादा भी नहीं, पर हाँ 2-3 आप खा सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी हेल्दी होते हैं एंड लाइट भी होते हैं, काफ़ी देर तक फुलफिलिंग भी रखते हैं। तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। बाय बाय।